आपको पता है कि 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की हमारी फिजिकल काउंसलिंग पहले राउंड की यहाँ पे चल रही है। इस बीच आज हमारा डे 12 है फिजिकल काउंसलिंग का, मतलब डे 12 आज हमारा फिजिकल काउंसलिंग का। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ सीट्स के बारे में बात करेंगे ताकि जो अपकमिंग डेज में स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं उनको पहले सीट्स के बारे में पता चल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बताऊंगा, कितनी सीट्स वैकेंट है, क्या कुछ यहाँ पे अपडेट है सीट्स के हवाले से। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की वैकेंट सीट्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग हमारी चल रही है। इस बीच इन्होंने जो है वो पहले राउंड में ही सभी कैंडिडेट्स को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया था, मतलब बुलाया है सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए, क्योंकि दूसरा राउंड हमारा काउंसलिंग का होने वाला है नहीं। तो हमारी जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो अपकमिंग मंडे को कंप्लीट हो जाएगी। देन आफ्टर दैट 30 तक आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा फिर यह 12th बेस डिप्लोमा की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे अगर हम सीट मैट्रिक्स के बारे में देखें तो यहाँ पे आपको जो है आज का सीट मैट्रिक्स स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट सीट्स की, तो गवर्नमेंट सीट जो वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं ओपन मेट के लिए। जैसे मैंने पहले बोल के रखा था आपको कि गवर्नमेंट की सीट सबसे पहले फिलअप हो जाती है, तो यहाँ पे अगर आप देख लो कि 252 सीट जो है वो ओपन मेरिट में अभी वैकेंट है। लेकिन ये जो 252 सीट्स हैं ये ओपन मेरिट विद PWD मैक्सिमम सीट्स हैं इनमें, तो जनरल ओपन मेरिट वालों के लिए ये सीट यहाँ पे नहीं है। अगर होगी भी कोई एक आधी सीट तो वो ना के बराबर ही होती है, लेकिन मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट विद PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखी गई हैं। उसी तरह से अगर हम कैटेगरी की बात करें, इसमें अभी भी 736 सीट्स बची हैं, जिसमें काफ़ी सारी सीट्स ओपन कैटेगरी विद ओपन मेरिट भी, कैटेगरी विद PWD है, और काफ़ी क्या सीट्स जो वो कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे रखेगी। यानी कि ओवरऑल कैटेगरी की अभी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, 700 के आसपास सीट्स हैं। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे कश्मीर का या जम्मू का, कोई ना कोई आपको गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट सीट को आप लोगों को जो है वो बुलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सीट आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल सकती। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेज में आप सभी को पता है कि कोई भी रिजर्वेशन होती नहीं, इसमें सभी कैंडिडेट्स को एज एन ओपन मेरिट स्टूडेंट जब वो ट्रीट किया जाता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं प्राइवेट सीट्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लगभग अभी भी 6,300 के आसपास जो सीट्स हैं वो प्राइवेट में जब वो पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए वैकेंट है। उसी तरह से फिर अदर और भी कुछ सीट्स यहाँ पे मान के चले आप 6,000-8,000 तक सीट्स अभी भी जो है वो वैकेंट है। 6,000 तो जो वो ओपन मेरिट में ही सीट्स अभी वैकेंट है जो अपकमिंग डेज़ में फिलअप हो जाएंगे। अलबत्त 6,000 तो अपकमिंग डेज़ में कहाँ से फिलअप हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो गया तो 1,000 सीट्स फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे तो वो वैकेंट ही यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेंगे। इसलिए जो कैंडिडेट अपकमिंग डेज़ में काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं वो कैंडिडेट जो वो प्राइवेट सीट खुद के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सीट मिलने के आप लोगों को ज़्यादा चांसेस है नहीं, लेकिन प्राइवेट आपको सीट डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाएगी। ये था थोड़ा सा आपको सीट मैट्रिक्स के हवाले से अपडेट जो मैंने डिस्कस किया। कोई डाउट का कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।